यहाँ उपस्थित तमाम मित्रजनों, ये सचमुच चेन्नई के लिए गौरव की बात है कि हमें से शायद, मैं तो बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि मैं न विष्णु खरे जी से मिला और न मैं निशांत जी से मिला, लेकिन विश्व हिंदी दिवस के दिन इन दो विभूतियों को श्रद्धांजलि स्वरूप ये आयोजन निश्चित रूप से दिल्ली में बैठे हमारे दिल्ली रमेश जी को ये संदेश जरूर देगा कि हिंदी के प्रति दक्षिण भारत कितना सजग और कितना संवेदनशील है। मैं चार लाइनें की बोलियां तकरार की और खेतियां हथियार की, बोलियां तकरार की और खेतियां हथियार की, कल्पना फिर कर रहे हम शांति में संसार की। और एक प्रसंग जो अभी उन्होंने डॉक्टर बी एल आच्छा जी ने बताया, वही प्रसंग पे इसकी एक इस गजल का एक शेर मैंने लिखा, जब लेकिन ये युद्ध था तब का, जब इराक का भयंकर बमबारी थी और उस बीच में कि जिद हो सद्दामी या अंकुशहीन बुस की लालसा, जिद हो सद्दामी या अंकुशहीन बुस की लालसा, त्रासदी बनकर रहेगा युद्ध ही संसार की, और बम की बारिश बीच बच्चे की बची मुस्कान ही। ये टीवी पे आया था कि उस बमबारी में एक बच्चा मुस्कुरा रहा, यहाँ एक बच्चा मर गया। लेकिन कवि ने, मेरे जैसे कवि ने उस बच्चे को प्रतीक बनाया जो उस बमबारी के बीच भी बचा है और मुस्कुरा रहा है। तो एक बच्चे की बची मुस्कान ही राह दिखलाएगी ईश्वर युद्ध से उद्धार की। आज एक और बड़ा ही भव्य आयोजन चेन्नई के इतिहास में जुड़ रहा है। यहाँ की आकाशवाणी के द्वारा पूरे देश की आकाशवाणी का एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है सर्वभाषा कवि सम्मेलन, वो अभी 3 बजे से शुरू होने वाला है। राज्यपाल महोदय हैं और 22 भाषाओं के मूल कवि, उनके हिंदी अनुवाद और उनके तमिल अनुवाद से 66 लोग वहाँ बैठे हैं और हमें उसी दौर में जाना है। तो आपने जो मुझे अवसर दिया, मैं बधाई देता हूँ और इस तरह के आयोजन के लिए खास के मैं डॉक्टर प्रदीप को बधाई देता हूँ। बतौर रजिस्ट्रार उन्होंने यह भवन देने के लिए, मैं संदेशवाहक बना रजिया जी का और उन्होंने ये स्वीकार किया, मेरी बात को माना और ये आयोजन दिया। बहुत सारे शंका और परिशंका के बीच ये आयोजन फाइनल यहाँ हुआ, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। रमन जी,